नीट और जेईई की जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं वो पूरे देश में एग्ज़ाम्स हो रही हैं, और कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो तो पूरे देश के विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने और तमाम नेताओं ने ये मांग की है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार को नीट और जेईई की एग्ज़ाम नहीं करानी चाहिए। मैं समझता हूँ इसके ऊपर हम लोग कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी 11 बजे और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियों की भी तरफ से जो केंद्र के सरकार के जो कार्यालय हैं उनके सामने प्रोटेस्ट करेंगे कि केंद्र सरकार पुनर्विचार करे और इस एग्ज़ाम को स्थगित करे कोरोना संक्रमण को देखते हुए। हमारे प्रदेश में DLED की एग्ज़ाम 31 तारीख को हो रही है, लेकिन JEE नीट और DLED का बिल्कुल अंतर बहुत है, इसमें फर्क है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये पूरे देश में एग्ज़ाम हो रही है, हमारी जो एग्ज़ाम है वो बहुत छोटी एग्ज़ाम है, और इतने दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र में सेंटर बनाए गए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और उनका टेम्परेचर वगैरह देखना, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। इसलिए हमारी इस DLED की तुलना नीट और JEE से नहीं की जा सकती है।